हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित स्वर्णकार आज कॉन्जंक्टिवाइटिस के ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ। सो आज का कंटेंट्स है एनाटॉमी ऑफ कॉन्जंक्टिवा, फंक्शंस ऑफ कॉन्जंक्टिवा, व्हाट इज कॉन्जंक्टिवाइटिस, इटियोलॉजी ऑफ कॉन्जंक्टिवाइटिस, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ कॉन्जंक्टिवाइटिस, साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ कॉन्जंक्टिवाइटिस एंड प्रिवेंशन। सो कॉन्जंक्टिवा के एनाटॉमी पहले हम लोग जाने कि कॉन्जंक्टिवा का एनाटॉमी क्या है। कॉन्जंक्टिवा एक्चुअली ये एक पतला परत है जो आँख के फ्रंटल पार्ट को कवर करता है और इनर सरफेस ऑफ द आईलिड्स को भी कवर करता है। इसका दो सेगमेंट है, एक है पैल्पेब्रल कॉन्जंक्टिवा और बल्बर कॉन्जंक्टिवा। पैल्पेब्रल कॉन्जंक्टिवा ये अपर एंड लोअर आईलिड्स के इनर पार्ट को ये कवर करता है और बल्बर कॉन्जंक्टिवा जो है ये एंटीरियर पोर्शन ऑफ द स्क्लेरा, जो व्हाइट पोर्शन है उसको ये कवर करता है। सो अब हम लोग डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग फंक्शंस ऑफ कॉन्जंक्टिवा। कॉन्जंक्टिवा का क्या क्या फंक्शन है। पहला फंक्शन है मोबिलिटी ऑफ द आईबॉल। जो बल्बर कॉन्जंक्टिवा जो है वो स्क्लेरा के साथ इसका कनेक्शन लूज है और जो कॉन्जंक्टिवल टिश्यू जो इन द फॉर्निसेस ये सब क्या करते हैं, जो हम लोग के आईबॉल है इसको फ्रीली मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं इन एनी डिरेक्शन। फिर सेकेंड फंक्शन है आर्टिकुलेटिंग लेयर। जो कॉन्जंक्टिवा है वो एक स्मूथ है और वो मॉइस्ट भी है। इसके चलते जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो आराम से वो मूवमेंट कर सकता है और उसमें कोई प्रकार का साउंड भी नहीं रहता है और पेन भी नहीं रहता है। जो म्यूकस मेम्ब्रेन आराम से कॉन्जंक्टिवा के सहायता से मूवमेंट कर सकता है और जो टीयर जो हम लोग के आँखों में आंसू रहते हैं अब्बा पानी है वो एक लुब्रिकेंट हिसाब से वो काम करता है। और इसका कुछ प्रोटेक्टिव फंक्शन है जो एंटीजेंस के अगेंस्ट में काम करता है, क्योंकि इसमें एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस रहते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिंस रहते हैं, इंटरफेरॉन रहते हैं और प्रोस्टाग्लैंडिन है जो आँख को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। सो कॉन्जंक्टिवाइटिस क्या है। कॉन्जंक्टिवाइटिस वो चीज़ है कि कोई भी कारण से जब कॉन्जंक्टिवल टिश्यू का इन्फ्लामेशन होता है तो उसको कॉन्जंक्टिवाइटिस कहते हैं। तो ये एक्यूट और क्रॉनिक दोनों हो सकते हैं। एक्यूट कंडीशन 3 से 4 सप्ताह तक रहता है और क्रॉनिक अगर 4 सप्ताह से ज़्यादा होता है तो वो क्रॉनिक स्टेज है। विभिन्न प्रकार के इन्फेक्शन के वजह के अलावा कोई कोई सिस्टेमिक डिजीज में भी कॉन्जंक्टिवाइटिस पाया जाता है, जैसे रेटर सिंड्रोम हो गया, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम हो गया, केराटो कॉन्जंक्टिवाइटिस सिक्का हो गया, न्यूट्रिशनल डिप्रावेशन हो गया स्पेशली विटामिन ए डेफिशिएंसी एंड कॉन्जेनाइटल मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स सच एज पोर्फायरिया एंड रिचनर हैनहार्ट सिंड्रोम, इसमें कॉन्जंक्टिवाइटिस पाया जाता है, होता है पेशेंट में स्पेशली। सो इसका इटियोलॉजी क्या है, कॉन्जंक्टिवाइटिस का कारण होने का कारण क्या क्या है। एक तो ये इन्फेक्शियस भी हो सकता है और नॉन इन्फेक्शियस भी हो सकता है। इन्फेक्शियस में कारण होगा बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई और पैरासाइट्स एंड डिफरेंट पैरासाइट्स। नियर अबाउट 80% जो कॉन्जंक्टिवाइटिस होता है वो वायरस के वजह से होता है और मोस्ट कॉमन है एडेनोवायरस। एडेनोवायरस के वजह से 65-90% वायरल कॉन्जंक्टिवाइटिस पॉपुलेशन में पाए जाते हैं। अदर कॉमन वायरल पैथोजेंस आर जो डिफरेंट काइंड ऑफ वायरसेस के रेस्पॉन्सिबल फैक्टर्स के कारण जो कॉन्जंक्टिवाइटिस होता है वो है हर्पिस सिंप्लेक्स, हर्पिस जूस्टर एंड एंटरोवायरस। ठीक है, बैक्टीरियल कॉन्जंक्टिवाइटिस ये ज़्यादातर बच्चों में पाया जाता है इन कंपैरिजन टू एडल्ट। एडल्ट में भी होता है लेकिन बच्चों में कॉमनली पाया जाता है। जो बच्चों में जो बैक्टीरिया रेस्पॉन्सिबल हैं जिसके कारण कॉन्जंक्टिवाइटिस होता है वो है एच इन्फ्लुएंजा, स्टेप्टोकोकस निमोनी, मोराक्जिला, कैटरलिस, ये सब बैक्टीरिया रेस्पॉन्सिबल है बच्चों में कॉन्जंक्टिवाइटिस फैलने का
और बड़ों में जो बैक्टीरिया रेस्पॉन्सिबल होता है वो है स्टेफेलोकोकस ओरियस फॉलोड बाय स्टेप्टोकोकस निमोनी हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा, इनके कारण एडल्ट में कॉन्जंक्टिवाइटिस होता है। जो अदर बैक्टीरियाज हैं जिनके कारण कॉन्जंक्टिवाइटिस होता है वो है निसेरिया गोनोरी, क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटिस, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरा। एंड निसेरिया गोनोरी के वजह से मोस्ट कॉमनली बैक्टीरियल कॉन्जंक्टिवाइटिस न्यूनेट्स में पाया जाता है और सेक्चुअली एक्टिव एडल्ट में पाया जाता है। नॉन इन्फेक्शियस कंडीशन में आता है एलर्जेंस, टॉक्सिन्स एंड लोकल इरिटेंस, इनके वजह से भी कॉन्जंक्टिवाइटिस होता है। इसका कॉम्प्लिकेशंस क्या होता है? अगर कोई भी पेशेंट में कॉन्जंक्टिवाइटिस होता है और 5 से 7 दिन के अंदर अगर ठीक होता है तो ठीक, नहीं तो अगर इससे ऊपर भी जाता है तो एक ऑप्थल्मोलॉजिस्ट के पास फॉर फर्दर इवोल्यूशन जाना जरूरी होता है। हर्पीस जुस्टर एक ऐसा वायरस है जिनके वजह से कॉन्जंक्टिवाइटिस जो होता है उसमें ज़्यादातर कॉम्प्लिकेशंस पाया जाता है। अप्रोक्सीमेटली 38.2% ऑफ पेशेंट्स विथ हर्पीस जुस्टर वायरस के कारण कॉर्नियल कॉम्प्लिकेशंस पाया जाता है और 19.1% में यूवेटिस पाया जाता है। अच्छा, पेशेंट्स जो जिसमें नेसेरिया गोनोरी के वजह से कॉन्जंक्टिवाइटिस होता है उसमें कॉर्नियल पार्फोरेशन होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। सो एप्रोप्रिएट टाइम में एप्रोप्रिएट डॉक्टर के पास सलाह लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो कॉन्जंक्टिवाइटिस का साइंस एंड सिम्टम्स क्या है? कॉन्जंक्टिवाइटिस का साइंस एंड सिम्टम्स हो गया पिंक और रेड कलर इन द व्हाइट ऑफ द आई, आँख का जो व्हाइट परत है वो पिंक और रेड कलर हो जाता है, कॉन्जंक्टिवा में थोड़ा सूजन आता है और जो आँखों के जो आईलिड्स हैं उसमें भी सूजन आता है। अच्छा, इसमें पानी ज़्यादातर निकलता है, इंक्रीज टीयर प्रोडक्शन होता है, ऐसा लगता है कि कोई भी फॉरेन सब्सटेंस आँखों में है और प्रिकिंग सेंसेशन होता है और खाली आँख को खुजाने एक बार राब करने का मन करता है। इसमें इचिंग होता है, इरिटेशन होता है, बर्निंग सेंसेशन होता है, डिस्चार्ज होता है पास और म्यूकस का। सुबह उठने से आंखों में क्रस्टिंग होता है, क्रस्टिंग ऑफ आईलिड्स और लेसेस स्पेशली इन द मॉर्निंग, क्रस्ट निकलता है आंखों के आईलिड्स और लेसेस से। इसका प्रिवेंशन क्या है? प्रिवेंशन ये है कि एवॉइड टचिंग और रबिंग योर आईज, आंखों को बार बार छूना और पोछना नहीं चाहिए क्योंकि ये कंडीशन को और खराब कर सकता है और इन्फेक्शन एक आंख से दूसरे आंख तक चला जाता है। फिर जो मेकअप आइटम्स हैं, आई ड्रॉप्स है, टॉवल्स है, बेडिंग है, कॉन्टेक्ट लेंस है, आई ग्लासेस है, इसको शेयर नहीं करना चाहिए। फिर डू नॉट यूज द सेम आई प्रोडक्ट, जो भी आई प्रोडक्ट इन्फेक्टेड आई और नॉन इन्फेक्टेड आई में एक ही प्रोडक्ट यूज नहीं करना चाहिए और इसमें कॉन्टेक्ट लेंस पहनना नहीं चाहिए अंटिल एंड अनलेस द इन्फेक्शन इज ओवर। आई होप कि आज आपको कॉन्जंक्टिवाइटिस के ऊपर आपको एक थुलमुल एक आइडिया मिल चुका होगा। अगर आपको और कुछ जानना है तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर कमेंट कीजिए, मैं फादर क्वेरीज को जरूर ही मैं हैंडल करने का कोशिश करूंगा। थैंक यू।